नमस्कार, आप दे रहे नीता न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया होलीपत कन्वेंट स्कूल सिंहपुर में स्वच्छ पर्यावरण और जीवन प्रबंध पर वैज्ञानिक जागरूकता कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश के निर्देशन में जिला विज्ञान क्लब बलिया द्वारा विज्ञान सबके लिए है अंतर्गत माध्यमिक एवं पूर्व माध्यमिक स्तर पर छात्र छात्राओं हेतु स्वच्छ पर्यावरण और स्वच्छ जीवन प्रबंध पर वैज्ञानिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जी कहाँ पढ़ते हैं आप? इंग्लिश स्कूल। जी, ये आपने बनाया है? जी। कैसे आपने बनाया इसको? हम सबने माइंड लगाते। जी, आप पहले सीखे थे या इसको कितने दिन में तैयार हुआ? ये कल रात को तैयार किया या पहले आपने तैयार कर रखा था इसको? नहीं, हमको पहले ही बता दिया। अचानक आपने बनाया इसको? नाम है? मेरा नाम सोना सिंह है। मैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सूर्य बदन विद्यापीठ साइंस क्लब प्रोग्राम है। जी, आप इस आपके बच्चे इस विद्यालय में आए हैं? बहुत सारे बच्चे हैं तो आपके विद्यालय से सर एक दिन में एक तैयार किए प्रदर्शनी, आप कैसे तैयार कर पाए आप? द एफर्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बिफोर 15 डेज दे आर प्लानिंग फॉर द प्रोजेक्ट्स एंड मॉडल्स टू बी वर्क ऑन एंड इट इज द अप्रिशिएशन फॉर द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बोथ। इट इज द हार्डेस्ट वर्क ऑफ माय टीचर्स एंड माय स्टूडेंट्स एंड दे आर प्रिपेयर्ड एंड इट इज वेरी गुड फॉर आवर सोसाइटी एंड आवर सराउंडिंग एनवायरमेंट दैट वी ऑल वर्क ऑन द इकोसिस्टम एंड द ग्लोबल वार्मिंग एंड द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ आवर डिमेरिट्स एंड मेरिट्स ऑफ आवर एनवायरमेंट। पढ़ते हैं? मैं डॉक्टर फर्जी अंसारी, स्कूल का प्रबंधक। जी, आज इस प्रकार के आपके विद्यालय में कार्यक्रम हुआ, खुशी हो रही है कि हमारे युवा बच्चे हमारे नए पीढ़ी को चलाने के लिए अलग अलग प्रकार के मॉडर्न टेक्निक को यूज कर रहे हैं और निश्चित रूप से इस कार्य को देखते हुए हमारे जो आगे वाला जनरेशन आने वाला है वो बेहतर, अच्छा और अनकॉलिटेड होगा। कि बच्चे जिस प्रकार के लोग प्रदर्शन लगाए हैं, जब पूछा गया कोई एक दिन में तैयार किया, कोई एक घंटे में तैयार किया, कोई आधे घंटे में तैयार किया, कोई दो दिन में तैयार किया, इन बच्चों किस प्रकार का आपने तैयार किया, कैसे तैयार किया आपने? काफ़ी बच्चों ने टैलेंटेड की वजह से जिसकी जितनी टैलेंटेड थी एक दिन में तैयार किया, दो दिन में तैयार किया, बहुत सारे बच्चे एक हफ्ते से भी लगे जिसकी जितनी क्षमता और कैपेसिटी उसके हिसाब से अपने तैयार किया। जी, हम ये भी जानना चाहते हैं आप किस कितना मेहनत आपको लगा होगा इन बच्चों को तैयार करने में? सर वही 1 वीक लगा है, हफ्ते में बच्चे हमारे जो है रेडी हुए, अदर स्कूल के भी बच्चे 1 वीक में ही छूट जाते हैं। बाकी लोगों क्या संदेश देंगे? बाकी लोगों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जैसे आज हमारे स्कूल में कई सारे स्कूल के जो प्रबंधक और बच्चे उपस्थित रहे, ऐसे उपस्थित रहे और मिलजुल के काम किया जाए समाज में। मैं आशुतोष तोमर विज्ञान संचारक भी हूँ और लगातार मेरा काम चलता है विज्ञान के क्षेत्र में। और ये जहाँ तक ये कार्यक्रम जो होली पर में जो है जिला विज्ञान क्लब के सौजन्य से हुआ है, इनका है कि विज्ञान सबके लिए, बच्चों के लिए भी हो, उनके अभिभावकों के लिए हो, हर जगह विज्ञान दिखना चाहिए। और बच्चों ने जो कार्यक्रम किया और नेशन इनोवेटिव जो अपने मॉडल लगाए हैं, ऐसा लगता है कि वो बेहतर ही सोच रहे हैं, हमसे बेहतर सोच रहे हैं। जी, इसके माध्यम से क्या इनको लाभ है? नहीं, वो अपने पर्यावरण को अपनी ज़रूरतों को समझ रहे हैं, तो थोड़ी बात तो ये है जो मॉडल देखे गए तो उनकी जैसे पोल्यूशन पे वो काम कर रहे हैं, एनर्जी पे काम कर रहे हैं, सब चीज़ों को महसूस कर रहे हैं, उसके अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं लगातार, ये सब थोड़ी बात है। वो अपने भविष्य को समझ रहे हैं और उसके हिसाब से अपने कार्यक्रम को तय कर रहे हैं, विज्ञान को तय कर रहे हैं। जी, बच्चे जिस प्रकार से अपने
किए हैं, इनको किस तरह के उनको तैयारी करने में कितना समय लगा, क्या लगा इनको? विद्यालय प्रबंधन, उनके टीचर्स, प्रिंसिपल सभी समय से काम कर रहे हैं और लगभग लंबे समय से कार्यक्रम एक भी कार्यक्रम नहीं है। उन्हें आइडिया जनरेट करना, उनको सोचने के लिए यूज करना और मान लो एयरपोर्ट उनकी लंबी एक प्रक्रिया होती है जो आपके सामने है, आप देख रहे हैं। परिचय है अखिलेश कुमार जन, जिला विकास नवाड़, और आज हम लोग इस स्कूल में उपस्थित हैं और यहाँ पर बच्चे के द्वारा जो यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है, खास करके विज्ञान परिषद के सहयोग से, काफ़ी सराहनीय है। बच्चों ने स्वच्छ पर्यावरण और स्वच्छ जीवन से संबंधित अपने जो प्रदर्शनी है, अपने मॉडल को यहाँ पर उन्होंने प्रदर्शित किया है और इसमें इसको लगाने में, इसको दिखाने में स्कूल प्रबंधन द्वारा जो सहयोग किया गया है, जो उनके द्वारा कोशिश की गई है, वो काफ़ी सराहनीय है और इन सबसे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से ही पूरे समाज में जहाँ बच्चे रह रहे हैं, उनके परिवार रह रहे हैं, हम लोग रह रहे हैं, सभी लोगों के बीच में जागरूकता होगी और पूरे पर्यावरण के साथ साथ सामाजिक स्वच्छता भी सब आएगी। ये कार्यक्रम इसी विद्यालय में चला रहा है या तमाम विद्यालय में चलेगा? निश्चित रूप से मेरा जहाँ तक विश्वास है कि ये विज्ञान परिषद के सहयोग से सभी जगह यह चलाया जा रहा होगा और अगर ऐसा है तो ये काफ़ी ही सराहनीय प्रयास है। परिचय है जी, नमस्कार, मेरा परिचय अविनाश कुमार पांडे, बलिया जनपद से हैं हम। हाँ, और हम मोरल साइंस के एक्सपर्ट के रूप में कार्य करते हैं जी। कैसा है कार्यक्रम यहाँ पर है जी? आज ये होली पार्क पैथ स्कूल पर जीरा विज्ञान क्लब द्वारा स्वस्थ जीवन प्रबंधन पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहाँ पर विभिन्न क्षेत्र के विभिन्न विद्यालय के बच्चों ने भाग लिया और स्वास्थ्य से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित और पॉल्यूशन से संबंधित अपने अपने विचारों को मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया। बहुत ही क्रिएटिव बच्चे हैं और नितांत रूप से यहाँ पर देखने से लग रहा है कि आने वाले पीढ़ी के अब्दुल कलाम हैं। सर, आप तो एक परिचय देते हुए आज मुख्य अतिथि के तौर पर आए हैं, कैसा कार्यक्रम है यह? सुशील मोहन पांडे, हमारे निश्चित प्रतिमा के पत्र का नाम है। हमारे थाना क्षेत्र के अंतर्गत होली पर कानून के स्कूल है, वहाँ वैज्ञानिक जागरूकता कार्यक्रम के तहत वैज्ञानिक बच्चों के द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई है। उसी प्रदर्शनी के कार्यक्रम में झा जी के साथ उनके जो वैज्ञानिक शिक्षक हैं उनके साथ उपस्थित हैं। हम लोगों ने उन्हें बच्चों के द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी को देखा और बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे मॉडल बनाए हैं, उनको देखकर भारत का भविष्य दिखाई देता है।